आप सभी को जय श्री श्याम प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार पितृपक्ष कब लगने जा रहा है, हमें अपने पितरों के लिए क्या करना है, पितरों की मुक्ति के लिए क्या करें, कैसे करें, पितर दोष से छुटकारा कैसे पाएं। देखिए, पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आपके आभारी हैं। पहले बात कर लेते हैं कि साल 2023 में पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा। जो अश्विन मास में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 16 दिनों का समय होता है उसको पितृपक्ष बोला जाता है, जो कि पूर्णिमा के दिन शुरू हो जाता है, पूर्णिमा उसके साथ लगाई जाती है और अमावस्या तक चलती है, यानी कि 16 दिनों के इस समय को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे जो कि 14 अक्टूबर तक चलेंगे। ऐसे में इन 16 दिनों में आप पितरों को मानते हो नहीं मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे पहले की 3 पीढ़ियां जो पूर्वज गुजर चुके हैं वो सभी के सभी गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, सांप के रूप में, या फिर किसी साधु संत या भिखारी ब्राह्मण के रूप में, या अगर आप उनकी पूजा करते हो और आपने उनको मजबूत कर रखा है तो वो साक्षात रूप में भी आपके सामने आपके घर पर आएंगे। वो सौपन के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं, वैसे किसी के रूप में आ सकते हैं, या किसी भी प्रकार से सवारी लेकर आपको अपने बारे में बता सकते हैं। ऐसे में इन 16 दिनों में घर में गलती से भी किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन 16 दिनों तक आपके घर पर ही नहीं होने चाहिए। इन 16 दिनों में हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले घर की दहलीज को बुहारी से साफ करो, फिर उस पर जल का छिड़काव करो, फिर रसोई की साफ सफाई करो, वहां भी थोड़ा सा जल का छिड़काव करो, क्योंकि पितर दहलीज के रास्ते से होते हुए सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं, सभी के पितर सभी के पूर्वज उनके घर आते हैं। इन 16 दिनों में जिसको आपके किसी पूर्वज की तिथि याद है तो उसके दिन श्राद्ध किया जाएगा। ध्यान रहे, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं किया जाता, उस दिन दिया गया अन्न पितृ ग्रहण नहीं करते। अगर आपके किसी पूर्वज का एकादशी को श्राद्ध है तो उसका एकादशी को नहीं द्वादशी को माना जाएगा। और जो अमावस्या से एक दिन पहले की तिथि होती है, चतुर्दशी तिथि, उस दिन भी श्राद्ध नहीं निकाले जाते उस दिन भी, क्योंकि वो उस दिन निकाली गई जिसको हम आम भाषा में चौदस बोलते हैं। जो भी उस दिन श्राद्ध निकाला जाता है वो गलत दिशा में जाता है, वो गलत चीज़ें ग्रहण कर लेती हैं, वो आपके पितरों तक नहीं पहुंचता। जिनको अपने किसी पूर्वज की तिथि याद नहीं है तो सर्वपित्री अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन अमावस्या है, उस दिन आप सभी के निमित्त आप पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, कोई दान दक्षिणा कर सकते हैं, उनका भोजन निकाल सकते हैं, अमावस्या निकालनी ही पड़ेगी। अब जिन प्रेमियों को अमावस्या निकालनी नहीं आती, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगी अमावस्या कैसे निकाली जाती है, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करिए अमावस्या कैसे निकाली जाती है, आगे हमारा नाम लिख दीजिए अशोक कुमार, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी और सरल साधारण शब्दों में आपको बताने की कोशिश की गई है। तो इन 16 दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने हैं, दाढ़ी नहीं बनवानी है, नाखून नहीं काटने हैं, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन आपको हर हाल में करना पड़ेगा इन 16 दिनों तक, अगर आप अपने घर को पितृदोष से मुक्त करना चाहते हो तो। सभी प्रकार की वीडियो पहले भी डाल दी जा चुकी हैं, आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाइए, एमबी रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना चैनल है, सर्च करिए, वहां आपको सारी जानकारी पितरों के रूप में मिल जाएंगी। जय श्री श्याम।